हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फैंटासी डिसन चैलेंजर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आईसीसी रमजान टी20 ट्रॉफी की फाइनल मैच की बात करेंगे, जो कि मैच होगा यहाँ पर फ्लाई एमिरेट्स वर्सेस वेल्ले बॉयज के बीच में। तो चलिए दोनों ही टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से स्मॉल लीग में लेके जाएंगे, कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से ग्रैंड लीग में भी करेंगे, प्लस कौन सा प्लेयर हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट चॉइस रहेगा, उसके बारे में बात कर लेंगे। पिच रिपोर्ट देख लेते हैं एक बार, लास्ट में हमारी फैंटासी टीम भी देख लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से ड्रॉप कर सकते हैं, सारी डिटेल्स इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करें इस मैच की, इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपको YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ये पूरी टूर्नामेंट इसी YouTube चैनल पर कवर करेंगे। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर शारजा रमजान T20 के वीडियोस में मिल जाएंगे, और साथ में यहाँ पर मिजोरम T20 हम लोग पूरा कवर कर रहे हैं, और साथ ही में कवर कर रहे हैं यहाँ पर IPL T20, यानी कि पूरा IPL का, पूरे IPL की सीजन का वीडियोज़ आपको यहीं पर मिल जाएंगे। तो YouTube चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही में टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएगा, क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम हमारी जो भी रहेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलने वाली है। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी टेलीग्राम का लिंक अटैच किया हुआ है। इनकेस अगर लिंक वर्क ना करे तो टेलीग्राम में जाइए, सर्च करिए फैंटासी डिसेंट चैलेंजर, या फिर आप सर्च करिएगा @FDC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा। सिंपली आपको उसे ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम हमारी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएंगी। बात करते हैं इस मैच की, तो यह मैच रात को 10:30 पर ICC अकेडमी ग्राउंड नंबर 2 दुबई UAE में खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट की बात करते हैं तो यहां पर मैं कई बार बता चुका हूं आपको कि बहुत ही जबरदस्त रन्स बनते हैं यहां पर। इवन मैंने यहां पर 150 के प्लस मेंशन किया है, लेकिन यहां पर 200 के प्लस भी आंकड़ा जा सकता है। इवन कई बार यहां पर 250 के पार भी आंकड़ा जा चुका है। तो रन्स यहां पर काफी जबरदस्त बनते हैं, और दोनों ही टीम अभी तक इस टूर्नामेंट के अंदर काफी अच्छा करते हुए आ रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद है कि यहां पर एक बड़ा स्कोर आपको देखने को मिल सकता है। बाकी चेजिंग करने वाली टीम को बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, तो जो भी टीम टॉस जीत के लिए चेजिंग करना पसंद तो कर सकती है, लेकिन पिछली 3 मैच की बात करो तो तीनों ही मैच यहाँ पर पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीती है। तो ये आंकड़े कभी भी ऐसे उलट पुलट हो सकते हैं। तो सबसे पहले ऐसे फ्लाई एमिरेट्स की ही बात करते हैं, जो कि 5 मैच खेली, 3 मैच जीती और 2 मैच हारी है। ओपनिंग में कौन है, तो यसी था अबेकुन और यहाँ पर इरफान अशरी दोनों ओपनिंग करवा रहे हैं। देखो इरफान आरिफ की बात करो तो ओवरऑल इनका परफॉर्मेंस यहाँ पर अच्छा रहा, 22 रन की एक बार, और पिछली 2 मैच की बात करो तो 20 और यहाँ पर 43 रन किए। तो इस बंदे को आप लोग लेके जाएगा, बाकी अबेकुन को बिल्कुल ड्रॉप मत करिएगा, काफ़ी अच्छा प्लेयर और रिसेंटली फॉर्म अच्छा है। हालांकि पिछली 2 मैच की बात करो तो बंदे ने कुछ किया नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग इनके पहले वाली मैच के ऊपर भरोसा कर सकते हो, और एक बड़ी मैच है तो यहाँ पर इनसे आप लोग उम्मीद कर सकते हो। लास्ट मैच के अंदर जैसे कि मैंने ऐसे फैयाज डोंगारन के बारे में स्पेशली आपको वीडियो के अंदर बताया था कि ये बड़ी मैच का बड़ा प्लेयर है, तो इनको और सामने, क्योंकि इनके सामने किसी बड़े प्लेयर नहीं थे और ये बंदा यहाँ पर सीनियर प्लेयरों के साथ खेला हुआ प्लेयर है, और इसके बारे में मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, और आप लोग चाहो तो इनके ऊपर रिस्क ले सकते हो। लास्ट मैच के अंदर 79 रन की पारी खेली, और एक बार फिर से आप लोग चाहो तो इनके ऊपर भरोसा कर सकते हो। कृष्णा चंद्रन वेरी इंपॉर्टेंट पिक, अभी तक 4 मैचेस खेले गए और चारों ही मैच के अंदर हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन यहाँ पर कृष्णा चंद्रन ही रहे, और आज आगे भी में हम लोग इनको एज अ प्लेयर के साथ कैप्टन और वाइस कैप्टन ही करेंगे। तो ऐसे कृष्णा चंद्रन हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, डेफिनेटली लेके जाना है। इनके अलावा से कृष्णा चंद्रन रामाकृष्णन वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, इनको भी लेके जाना है। इवन ग्रैंड लीग वगैरह में आप लोग इनको कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो। इनके अलावा यहां से बात करते हैं वजाहत रसूल की, जो कि हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट पिक। तो यहां से देखो 3 प्लेयर है जिनको तो बिल्कुल ड्रॉप नहीं करोगे आप लोग, ऐसे कृष्णा चंद्रन, कृष्ण कुमार रामाकृष्णन और ऐसे वजाहत रसूल, और ये तीनों ही प्लेयर आपके लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप की चॉइस रहेंगी। तो इन तीनों में से किसी को भी आपको ड्रॉप नहीं करना है, तीनों ही आपकी टीम के अंदर चाहिए। नवीन नागराजन की बात करते हैं, जो कि विकेट कीपिंग सेक्शन से दिखेंगे, अगर कोई चॉइस ना मिले तो ट्राई कर सकते हो, बाकी स्मॉल लीग के लिए ये थोड़े से रिस्की रहेंगे। उस्मान मुश्ताक की बात करते हैं, उस्मान मुश्ताक भी ठीक ठाक रहेंगे, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे रहा लास्ट मैच के अंदर, ओवर्स वगैरह रेगुलर करवाते नहीं है, बहुत ज़्यादा रिस्की रहेंगे ग्रैंड लीग वगैरह में ट्राई करोगे। इनके अलावा ऐसे शाहीन अली की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेगा, विकेट टेकर गेंदबाज है, अभी तक 3 मैच खेला, तीनों ही मैच के अंदर विकेट निकालते आ रहा है, तो डेफिनेटली लेके जाओगे। यहाँ से आमिन मिफलाल के ऊपर आप लोग रिस्क ले सकते हो, यहाँ पर इन्होंने 4 विकेट निकाली थी, इसके पहले यहाँ पर 2 बार एक एक विकेट भी निकाल चुके, तो भरोसा कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर मोहम्मद उबैदुल्लाह को मैं सजेस्ट करूँगा, इस प्लेयर को आप लोग लेके जा सकते हो, क्योंकि ये स्टार्टिंग में भी आता है और देश में भी आता है, तो यहाँ से इस प्लेयर के ऊपर भरोसा कर सकते हो। स्टार्टिंग में यहाँ पर मोहम्मद उबैदुल्लाह के साथ शाहीन अली, डेथ हाउस में यहाँ पर वजाहत रसूल के साथ यहाँ से मोहम्मद उबैदुल्लाह डेथ में आएंगे। इनके अलावा बेंच में से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके स्टैट्स और उनके अपडेट वगैरह टेलीग्राम में मिलेंगे, तो जल्दी से जाके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि फाइनल अपडेट और टीम वगैरह आपको वहीं पर मिलने वाली है। बाकी बात करते हैं हम लोग यहाँ से वेल्ले बॉयज की,
तो वेले बॉयज़ की तरफ से अभी तक 5 मैचेस खेली गई, जहां पर 3 मैच वो जीती, 2 मैच वो हारी है। ओपनिंग में कौन है, तो मोहसिन मट्टो और यहाँ पर मफूज़िल्लाह ही दोनों ओपनिंग करवा रहे हैं। दोनों ही इंपॉर्टेंस रहेंगे, दोनों को एज अ प्लेयर लेके जाना। इवन मोहसिन मट्टो को जब भी यहाँ से मैं टॉप में खेलता हुआ नज़र आते हैं मुझे, मैं इनको सीधा कैप्टन वाइस कैप्टन ही करता हूँ। तो आगे भी हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए मोहसिन मट्टो बेस्ट पिक रहेंगे। देखो ये टूर्नामेंट इतनी अच्छी नहीं रही इनके लिए, लेकिन इसके पहले वाली टूर्नामेंट के लिए रेगुलर हमारे कप्तान हुआ करते थे। यहाँ पर भी इस मैच के लिए भी हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट चॉइस है। हालांकि पिछले दोनों मैच के अंदर ओवर्स तो पूरी नहीं करवा रहे, लेकिन विकेट जरूर निकाल रहे। लास्ट मैच के अंदर 95 रन के तगड़ी पारी खेली, तो आगे हमारे लिए कैप्टन वाइस कैप्टनशिप की चॉइस रहेगी। वैसे आपकी जानकारी लेके बता दूँ, हमारे लास्ट मैच के अंदर भी वाइस कैप्टन मोहसिन मट्टो ही थे। मफूज़िल्लाह एज अ प्लेयर इंपॉर्टेंस रह सकते हैं, यहाँ पर रिसेंटली फॉर्म अच्छा है और अच्छा कर रहे हैं, तो इनको लेके जाएंगे। दानिश हफीज़ विकेट कीपिंग सेक्शन से आपके लिए परफेक्ट चॉइस है, इस प्लेयर को बिल्कुल मिस मत करिएगा। लास्ट मैच खेला, कुछ खास किया नहीं, लेकिन ये प्लेयर तगड़ा है, कभी भी यहाँ पर सेंचुरी तक जड़ सकता है। इन्होंने यहाँ पर सेंचुरी की थी अभी रिसेंटली, एक महीने पहले की बात है, जहाँ पर इन्होंने एक सेंचुरी लगाई थी, 107 रन किए थे। तो यहाँ से इस प्लेयर को आप लोग लेके जा सकते हैं, यहाँ पर दानिश हफीज़ को। इनके अलावा से मूसा बेंजीर रिस्की रहेंगे, तो इस प्लेयर को आप लोग ऐसे ग्रैंड लीग वगैरह में ट्राई करोगे, स्मॉल लीग में लेके जाना थोड़ा सा रिस्की रहेगा। बाकी खालिद इब्राहिम एज अ प्लेयर के साथ कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप की बेस्ट चॉइस है, इस प्लेयर को हमें लेके भी जाना है। इवन यहाँ से कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए हमारे लिए यहाँ पर खालिद इब्राहिम बेस्ट पिक रहेंगे। उस्मान मसूद एज अ प्लेयर जरूर ट्राई करेगा इसको, लास्ट मैच के अंदर 2 रन बना पाया, लेकिन इसके पहले 35 और 68 जैसे 2 बड़े स्कोर किए, और रेगुलर यहाँ से अच्छा प्लेयर है। बैटिंग ऑर्डर लास्ट मैच के अंदर थोड़ा सा नीचे था, तो थोड़ा सा कंसर्न रहा, लेकिन फिर भी आप लोग इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। शाकिब अमीन एज अ प्लेयर के साथ कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप की चॉइस रहेंगी, यहाँ पर हमारे वाइस कैप्टन थे और आगे भी हम लोग इनके साथ कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। माजिद मंजूर ओके रहेंगे, क्योंकि ये दिखेंगे आपको विकेट कीपिंग सेक्शन से, जहाँ से ऑलरेडी हमारे पास 1 या 2 चॉइस ऑलरेडी है। हुमायूं बजाज ओके रहेंगे, ग्रैंड लीग में ट्राई करोगे, टीम के कप्तान है, लेकिन परफॉर्मेंस इतना कुछ खास है नहीं यहाँ पर। उस्मान त्रंबू वेरी इंपॉर्टेंट पिक, और मुदस्सिर मुश्ताक की बात करूँ तो इनको आप लोग रिस्क के तौर पर ट्राई कर सकते हो, क्योंकि अभी तक 2 मैच के अंदर इन्होंने 1-1 विकेट निकाली हुई। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंस कौन रहेगा, तो यहाँ पर देखो मोहसिन मट्टो तो एज अ प्लेयर के साथ कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस है, मफूज़िल्लाह को लेके जाना है। विकेट कीपिंग सेक्शन से हमारे लिए दानिश हफीज़ बेस्ट पिक है। मूसा बेंजीर ओके थोड़े से रिस्की है, यहाँ से खालिद इब्राहिम एज अ प्लेयर के साथ कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप की चॉइस है। उस्मान मसूद हमारे लिए यहाँ पर डिफरेंशियल पिक रहेंगे, क्योंकि इनका सिलेक्शन तो शायद कम होगा, लेकिन प्लेयर काफ़ी अच्छा है और आई थिंक टीम को जरूरत पड़ने पर इनको ऊपर भी भेजा जा सकता है। यहाँ पर शकीब अमीन भी आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टनशिप की चॉइस रहेंगी, तो इनको भी एज अ प्लेयर लेके जाना है। बाकी ये सारे प्लेयर्स ओके रहेंगे। उस्मान त्रंबू इंपॉर्टेंस रहेंगे यहाँ पर, और मुश्ताक की बात करें तो मुदस्सिर मुश्ताक को, तो इनको आप लोग डिफरेंशियल में लेके जा सकते हो। स्टार्टिंग में यहाँ पर खालिद इब्राहिम और उस्मान त्रंबू, डेथ ओवर्स में यहाँ पर हुमायूं बजाज और यहाँ पर मफूज़िल्लाह ही डेथ में आए थे। इनके अलावा बेंच से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके स्टैट्स और उनके अपडेट वगैरह टेलीग्राम में मिलेंगे, तो जल्दी से जाके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपकी जो भी रहेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएंगी। तो अभी के लिए देख लेते हैं हमारी फैंटेसी टीम कौन सी रह सकती है, कौन से प्लेयर को लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं। तो विकेट कीपिंग सेक्शन से हम लोग यहाँ से दानिश हफीज़ के साथ जा रहे हैं। आप लोग यहाँ से माजिद मंजूर को ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इनका बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे है, और दानिश हफीज़ यहाँ से ऊपर से भी खेलेंगे, इवन टीम को जरूरत पड़ी तो यहाँ पर 2-3 ओवर्स की गेंदबाजी भी करवा सकते हैं। बैटिंग सेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ से यशिथा अबेकून और यहाँ पर उस्मान त्रंबू हमारी टीम के अंदर रहेंगे। यहाँ पर आप लोग रिस्क फैयाज डोंगानून के ऊपर ले सकते हो, बाकी किसी प्लेयर के ऊपर रिस्क लेने की जरूरत है नहीं। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करते हैं तो जैसे कृष्णा चंद्रन कराटे हैं, मोहसिन मट्टो है, इनके अलावा से कृष्ण कुमार रामाकृष्णन है, यहाँ से काशिफ इब्राहिम और यहाँ पर खालिद इब्राहिम और यहाँ पर मफूज़िल्लाह हमारी टीम के अंदर रहेंगे। और बॉलिंग सेक्शन की बात करते हैं तो ऐसे वजात रसूल है, शाहीन अली है और यहाँ पर शाकिब अमीन है। यहाँ पर आप लोग शाहीन अली की जगह पर यहाँ पर फैयाज डोंगान उनको ट्राई कर सकते हैं, या फिर ऐसे और किसी प्लेयर को ट्राई करना चाहो तो कर सकते हैं। ऐसे उबैदुल्ला बेस्ट पिक रहेंगे। तो टीम की बात करते हैं तो टीम कुछ इस तरह से रहेगी हमारी, कि कप्तान रहेंगे हमारे ऐसे के चंद्रन, यानी कि कृष्णा चंद्रन हमारे कैप्टन रहेंगे। वाइस कैप्टन यहाँ से खालिद इब्राहिम रहेंगे। 2 अदर चॉइस है, एक ऐसे मोहसिन मट्टो है और कृष्णा कुमार रामाकृष्णन है। तो जो भी आपको यहाँ पर एक और प्लेयर है यहाँ पर शाकिब अमीन। तो जो भी आपको रिस्क लेना है ना, आपको ये 5 प्लेयरों के ऊपर ही रिस्क लेना है, और जो भी आपको कैप्टन वाइस कैप्टन करना है, इन 5 के अलावा किसी और प्लेयर के ऊपर रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि थोड़े बहुत रिस्की रहेंगे। और ग्रैंड लीग वगैरह में आप लोग ऐसे वजात रसूल को भी ट्राई कर सकते हो एज अ प्लेयर के साथ कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए। बाकी मेरी टीम कुछ इस तरह से ही रहेगी। याद रहे ये जो टीम है ये डेमो टीम है, फाइनल आपको टेलीग्राम में मिलेगी फाइनल लाइनअप के बाद, तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, इनकेस अगर लिंक वर्क ना करे
तो टेलीग्राम में जाके सर्च करिएगा फैंटासी डिसेंट चैलेंजर, या फिर आप सर्च करिएगा @FDC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा। सिंपली आपको उसे ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम हमारी जो भी रहेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, और साथ ही में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे आने वाली और अच्छे मैचेस की वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। बाकी मिलते हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप पूरा वीडियो देखते रहो, अच्छे से एनालिसिस करो, अच्छी टीम बनाओ, अच्छी मीनिंग करते रहो। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।